वेलकम टू नम्रताज किचन एंड ब्लॉग्स। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही ज़्यादा चटपटी मैगी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मेरी एक सब्सक्राइबर है रैनी गढ़ेवाल, उन्होंने डिमांड किया था मेरे चैनल पे, तो उनके रिक्वेस्ट पे मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। गाइज, इनकी दो डांस वीडियो मेरे शॉर्ट सेक्शन में भी डली हुई है, आप चाहें तो आप उन्हें जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने टमाटर, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट और धनिया का पत्ता लिया हुआ है। अब मैंने एक बर्तन में पानी रख दिया है मैगी को बॉईल करने के लिए। मैंने 2 कप पानी लिया हुआ है 12 रुपए वाले 2 पैकेट मैगी के लिए। अब मैं अच्छे से उसे बॉईल कर लेने के बाद मैगी को इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद लगभग 20 से 30 सेकेंड के बाद मैं इसमें नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, और 1 मैगी का पैकेट का मसाला ऐड कर रही हूँ इसमें, और लगभग 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। अब हम इसे हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और मैं इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए बॉईल करूंगी, उसके बाद इसे अलग से रख दूंगी निकाल कर। फिर साथ ही साथ मैंने एक पैन में मस्टर्ड ऑयल को गर्म कर लिया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी मैगी बनाएं तो सरसों के तेल से ही बनाएं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो मैं सबसे पहले इसमें थोड़ा सा सरसों डाल रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, फिर मैं इसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें कटा हुआ हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब मैं इन सभी चीज़ों को लगभग 30 सेकेंड तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ताकि इसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट का फ्लेवर जो है अच्छे से ऑयल में आ जाए और उसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद मैं इसमें कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे ट्रांसल्यूसेंट होते तक फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें कटा हुआ गाजर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे ऐड करें वरना ना डालें। फिर मैं इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ। फिर इन्हें भी मैं लगभग 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी ऑयल के साथ। उसके बाद मैं इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें लगभग 1/2 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। इस समय आपको ये याद रखना है कि आपने मैगी में भी नमक यूज़ किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे। फिर हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिला लूँगी, और अब मैं इसे लगभग 2 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, जिससे हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। फिर कवर हटा के मैं इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो सॉस और आधा जो मैगी का मसाला है वो यूज़ करूँगी, और आधा मैगी का मसाला बचा दूँगी लास्ट में यूज़ करने के लिए। फिर मैं इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें बॉईल किया हुआ मैगी ऐड करके उसे भी अच्छे से इसके साथ मिक्स कर दूँगी। मैगी को ऐड करने के बाद हमें इसे लगभग सिर्फ 1 मिनट तक ही इसे इसमें मिक्स करना है, और हमें स्मूदली इसे मिक्स करना है कि जिससे कि हमारा मैगी बिल्कुल टूटे ना। और आप इस तरीके से एक फोक और स्पून लेकर उसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। फिर इसमें मैं थोड़ा सा जो मैगी मसाला बचा हुआ था ना उसे ऐड कर दूंगी, और हरी धनिया डालकर इसे फिर लास्ट में ऐड करके सर्व कर दूंगी। अब हमारा सुपर टेस्टी और बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाने वाला एकदम स्पाइसी मैगी बनकर कम्प्लीटली रेडी है। अब आप इसे बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करके इंजॉय करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।